सुरेंद्र सिंह नागर हैं, राज्यसभा दूसरी बार जा रहे हैं और पूरी तरीके से तमाम जो उनके लोग हैं अपने चाहने वाले हैं तस्वीरों में देख सकते हैं। सुरेंद्र सिंह नागर साहब दूसरी बार राज्यसभा जा रहे हैं, बहुत बधाई आपको। क्या कहेंगे इस मौके पे, जो भरोसा पार्टी नेतृत्व ने आपके ऊपर जताया है? देखिए, मैं केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व दोनों का आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे विश्वास व्यक्त किया, दोबारा से मुझे राज्यसभा में नॉमिनेट करने का काम किया है। मैं उसके लिए केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। पश्चिम उत्तर प्रदेश से आप आते हैं और पश्चिम उत्तर प्रदेश में तमाम ऐसे मुद्दे हैं, चाहे गन्ना किसानों के मुद्दा क्या है या फिर तमाम ऐसे मुद्दे, किन मुद्दों को प्राथमिकताओं के तौर पर आप राज्यसभा में उठाएंगे? देखिए, अभी मेरे साथ भी दो विधायक हमारे ऐसे, हमारे कीरत सिंह जी हैं और हमारे मुकेश जी हैं। सबसे ज़्यादा गन्ना जो पैदा करने वाला क्षेत्र है जहाँ से दोनों विधायक आते हैं, एक तरफा सहारनपुर में 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीती, जो सबसे बड़ा गन्ने का क्षेत्र है, तो इससे ज़्यादा परिणाम, इससे भी ज़्यादा और क्या प्रत्यक्ष परिणाम। नमस्कार सर, बहुत शुक्रिया। सुरेंद्र सिंह नागर हैं, हालांकि ये तस्वीरें देख सकते हैं, राजा भैया खुद आए हैं और बधाई दे रहे हैं। और जाहिर सी बात है, ये जो तस्वीर है विधानसभा की है। नागर साहब, खासतौर पर जिस तरीके का, हालांकि आप पहले ऐसे शख्स हैं जो रिपीट हो रहे हैं, उसको लगा क्या कहेंगे? निश्चित रूप से तो पार्टी नेतृत्व का है। देखिए, हम सब लोग कार्यकर्ता हैं, कोई विधायक बनता है, कोई राज्यसभा में जाता है, कोई लोकसभा में जाता है, भारतीय जनता पार्टी में सब कार्यकर्ता हैं। कार्यकर्ता के तौर पर पार्टी जो जिम्मेवारी देती है उसे निभाने का काम करेंगे, इतना ही कहना चाहता हूँ। बहुत शुक्रिया। ये है सुरेंद्र सिंह नागर, राज्यसभा के प्रत्याशी के रूप में आज नामांकन किया और साफ तौर पर कह रहे हैं कि पार्टी जो जिम्मेदारी देगी उसको हर हाल में वो पूरा करेंगे। कैमरा पर्सन मिलन के साथ अमितेश श्रीवास्तव, R9 न्यूज़, लखनऊ।